बड़ी अजीब चीज लगती है कि लोकतंत्र जिसकी परिभाषा जनता की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा, ऐसा लगता है कि धनी वर्ग की सरकार धनियों द्वारा धनियों के लिए। वोट देते समय या वोट लेते समय तो बात ये होती है कि जनता की सरकार और बाद में रिचिस की सरकार। लोकतंत्र कई बार जो कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं कि एक सक्शन पंप की तरह है जो बड़े फील्ड से पैसा सक करता है और एक डिस्चार्ज चैनल जेट की तरह कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जितने भी जमा बाजारी है, चाहे वो NSE हो, KVB हो और शेयर बाजार हो, इसका एक रूप है कि आप लोगों का पैसा इकट्ठा करके कुछ स्कीमों में लगाए। कोई भी सरकार में व्यक्ति रहे, जो भी नागरिक हो वहाँ का, वो खुश तब रहेगा जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हों, सरकार पे कर्ज कम से कम हो या सरकार के खजाने भरे रहे, तब वह सामूहिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है। और घर का खाद्यान्न भरा रहे, थोड़े पैसे हों तो घर पे भरोसा हो कि मान लो कल के दिन डकैती पड़ी तो हमारी सरकार कुछ तो सहायता दे सकती है, जैसे जल्दी से रिहैबिलिटेशन का कुछ कार्यक्रम, चोर को पकड़ने का। और सरकार अच्छी है तो पहले चोरी होगी, फिर सरकार पे ही आक्रमण ना हो तो सेना अच्छी होनी चाहिए, और आक्रमण तो नहीं हुआ लेकिन खोखली हो गई, आपका पैसा का सारा का पैसा कहीं दूसरी तरफ चला गया, या आप खा रहे हैं कर्ज में। तो एक जो सुरक्षा का भाव होता है, सरकार जब अपने पे भरोसा रखती है तब वह अपनी स्कीमों में पैसा लगाने के लिए या लोगों से कहती है कि आप इसमें निवेश करें, तब वह उस पैसे के ब्याज को भी जनता के भले के मद में लगा सकती है, ऐसा सोचा जाता है। फिर आप कहते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में पैसा लगाओ, जिससे कि फैक्ट्रियां बढ़ें, लोगों का पैसा चलन में आए, वो तिजोरियों में बंद ना रहे, तब लोग उस तरफ आकर्षण होंगे। लेकिन जितने लोग भी शेयर बाजार में आकर्षित हैं और जो खेल रहे हैं, किसी को भी ये भरोसा नहीं है कि वो वाकई में उस कंपनी की मुनाफे के लिए खेल रहे हैं, वो अपने मुनाफे के लिए खेल रहे हैं। तो जो जितना ज़्यादा मैनिपुलेट होता है उतना ज़्यादा वो मुनाफा दे पाता है। क्या वजह हो सकती है कि एक कंपनी 4,000 करोड़ की और उसकी शेयर वर्थ 40,000 करोड़, ऐसा कितना मुनाफा दे देगी वो एक साल में, और वैसे ही दूसरी 4,000 करोड़ की कंपनी और शेयर वर्थ 3,500 करोड़, 3,000 करोड़ मुनाफा दोनों दे रही है। तो जनता को समझना बहुत दिक्कत। फिर दुनिया में जितना बड़ा जुआ शेयर बाजार है या मेटल एक्सचेंजेस है, उस सरकारों को गिराने में पर्याप्त काबिल है। बहुत पुरानी घटना नहीं है, जिस दिन सुनामी आया था, व्यक्तिगत घटना बता रहा हूँ, उस दिन हम दिल्ली से जयपुर जा रहे थे, मेरे बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे, बातचीत हुई तो बोले कि सोने का रेट 25,000 रुपये तक जाएगा, तब करीब 13-14,000 रुपये चल रहा। हमने कहा आप कैसे कह सकते? बोले हम ही तो कह सकते हैं। तुम कैसे कह सकते हो यार कि 25,000 जाएगा एक दो साल में? बोले हम वायदा कारोबार करते हैं और हमने वायदा दिया है कि 25,000 तक तो हम खरीदेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारी हैसियत कितनी? बोले 400 किलो रोज खरीदते सोना। मैंने कहा 400 किलो रोज खरीदते हो, बेचते भी हो? बोले हाँ, खरीदते हैं तो जिससे खरीदते हैं उसके यहाँ वायदा है कि 25,000 तक जाएगा तो हम खरीदेंगे। तब मैनिपुलेट करने वाले 2-3 साल पहले से प्लान कर रहे थे कि 25,000 तक ले जाएंगे आप। सोना एक चीज है, अगर 2002-3 से आप देखें, ज़्यादा पुराना नहीं, तो निकल, कॉपर, जिंक, सारे मेटल में जो वेरिएशंस हैं, ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए लगते हैं क्या? और कम से कम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें किस सरकार को कब कौन गिराने की कोशिश कर रहा है, क्या ओपेक पूरा डूबेगा या सिर्फ रशिया डूबेगा या अमेरिका भी डूबेगा इस खेल में? तो ये बहुत बड़े जुए हैं।
और अगर भारत सरकार या कोई भी सरकार इस जुए में अंधी दौड़ रही है, तो पहली चीज तो वो दौड़ रही है तो अंधी है, और अपने जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। क्योंकि आज अगर देखें अमेरिका को, तो पर कैपिटा डेब्ट मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा है अमेरिकन से, चाहे उनकी इकोनॉमी चीन की इकोनॉमी के 3 गुना हो। भारत की इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की नहीं करेंगे, पर चीन की इकोनॉमी के भी 3 गुना है, और जबकि सबसे ज्यादा ऋण चीन। ऐसे में शेयर बाजार का उठना गिरना और सरकार द्वारा उसको प्रोत्साहन देना, दोनों विरोधाभासी चीजें। अगर हमको सुदृढ़ता चाहिए तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल चीजें हैं जो आज के दिन में कही जाती हैं, उसको जुए बाजार से काफी हद तक दूर रखना चाहिए कि कल के दिन फ्लक्चुएशन में वो खत्म ना हो। और जो खेलने की चीजें हैं उसमें आप खेलें तो पाओगे कि बहुत कम चीजें हैं जिसमें खेलोगे। लोकतंत्र में दूसरी चीज जो आप खेलने की बात करते हैं, जब सरकार का पैसा होता है तो वो देश की पूरी जनता का होता है, और जब शेयर बाजार में आप उसका 10% 20% 25% या 49% भी शेयर बेच देते हो, तो 49% शेयर कुछ हजार लोगों का होता है, और बाकी 120 करोड़ हो या 150 करोड़ हो या 30 करोड़ जनता भी हो देश की, उनका होता है। तो ये तुलना में बहुत अंतर आ जाता है। अब आप कहते हैं कि पैसा कैसे आएगा, नई फैक्ट्री खोलना है तो जब मुनाफा सोचोगे तभी तो पैसा आएगा। तब लोग कहते हैं कि भारत खुला 91 के बाद और तब पैसा आया, आज नहीं तो ये दशा नहीं होती अगर हम शेयर बाजार में नहीं खेल रहे होते। तब शायद 2 हफ्ते का रिजर्व बचा था, सोना गिरवी रखा ही था और आज आपने सोना खरीद लिया। लेकिन अगर टोटल डेब्ट की बात करें तो आज शायद ज़्यादा है, आपकी करेंसी की कीमत 1/3 हो गई, तो जितना वर्थ दिख रहा है वो शायद 1/3 हो या 1/4 हो। तब पूरा का पूरा प्रोग्राम सेकेंडरी मार्केट का, शेयर बाजार का, और लोगों को उसकी गलत भाग में उलझाना, सबके जीवन को कॉम्प्लेक्स करना जैसा है। एक शुद्ध तौर पे जो राष्ट्र चलते हैं वहाँ उनको मेहनताना मिला, अगर दिक्कत है तो सरकार से या समाज से सहयोग मिला, इतने तक ठीक है। कुछ पैसा अगर उन्होंने बचाया तो जमा कर दिया बच्चे की शादियों के लिए, उस पर थोड़ा ब्याज मिला। बुजुर्गी में आप असक्त हो गए, बच्चे नहीं हैं, तब थोड़ा आपने जमा किया हुआ ब्याज से खाना शुरू किया, अन्यथा हाथ पैर चलने चाहिए, हाथ पैर से खाना चाहिए। इसलिए तुम देखोगे कि मोहम्मद्स में जो उनका बैंकिंग सिस्टम है उसमें ब्याज है ही नहीं, और बनाया भी इसीलिए गया कि समाज में ब्याज होगा तो कुछ लोग फ्री में बैठ के खाने की आदत से ग्रसित हो जाएंगे, और कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी अपना मेहनताना नहीं पाएंगे। फिर जो दिमाग में तेज होगा या चालाक होगा या धूर्त होगा वो बाकी सबका हिस्सा खा जाएगा। इसलिए अगर समाज ठीक से चल रहा है तो ब्याज 0। फिर एक दूसरा समाज आता है, वो कहता है यार देखो दुनिया बहुत बड़ी है, हम अपने भाई बहनों से तो ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन जो दूसरे जात के हैं, जो दूसरे धर्म के हैं, उनसे तो ले सकते हैं। तो बात जस्टिफाई है यार, जो हमारा परिवार है उनसे हम नहीं लेंगे, सबसे नहीं लोग कैसे दुनिया चलेगी। तीसरे इससे भी समझदार लोग आए, बोले हम अपनों को ब्याज दे देंगे, अपनों से ब्याज ले लेंगे, ब्याज की परंपरा ठीक है, लेते देते रहो, जिसको जरूरत है हिसाब करना कौन अपना कौन पराया, सब पराए हैं और सब अपने, एक नियम सिस्टम चल रहा है। तो मुसलमानों का जो ब्याज का सिस्टम था वह यहूदियों ने अपने समाज तक, क्रिश्चियंस ने सबके साथ, और आज पूरे दुनिया में मुसलमानों का सिस्टम चल नहीं पा रहा है, कुछ जगह चल रहा है छोटे छोटे इलाके में, तो सब ब्याज की खाने की जुगत में भिड़े रहते हैं, कैसे फ्री का मिल जाए, मेहनत कम से कम। सनातनी परंपरा में अगर ब्याज को देखा जाए तब बहुत जगह आपको ब्याज दिखाई नहीं देगा कि ब्याज होता है, बोले आपने पैसा हमको लिया हमारा पैसा वापस करो, जितने दिन उस पैसे से आपने जो मुनाफा कमाया
तो मुनाफा हमको दे दो, हिस्सा हमारा जो बनता है, नहीं कमाया तो मूल चुका दो, मूल जरूर चुकाओ। ये मदद के रूप में होता था, ऐसा नहीं कि हम आपसे पैसा लें और खा जाएं, फिर चीज़ें बेतरतीब हो जाए। तो एक पूरे के पूरे समाज के लिए ये जरूरी है कि ब्याज की दरें कम से कम, आप दो कैटेगरी में भी बांट सकते हो कि जिनके बच्चे नहीं हैं और बुढ़ापे में करना है, सीनियर सिटीजन तो, या अगर राज्य उनकी जिम्मेदारी ले रहा है तो फिर ब्याज 0% तक लाया जा सकता है नॉर्मल डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट में अगर कोई पर्पज है 5 से 7% तक लाया जा सकता है। तो जब बैंक इतना देगा ब्याज तो लेने वाले से भी कम लेगा। तो शेयर बाजार से पैसा उठाने की जगह हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, वेंचर कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, जैसा थोड़ा बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, कि हम भरोसा करते हैं नरेंद्र अग्रवाल पे, अगर वो कह रहा है कि एक टोकरी बनाने वाली इंडस्ट्री डालेंगे तो 50,000 रुपये लगेगा, इस पर 50,000 रुपये का हम भरोसा कर सकते हैं, 50,000 ही खाएगा ना। तो लोगों पे कोलेटरल या दूसरे भरोसे की जिम्मेदारी नहीं, और शेयर बाजार से उठाने की नहीं कि हम प्रॉफिट देंगे। ये तो वेंचर कैपिटलिज्म को बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों पे विश्वास करने की ज़रूरत है, उनको फंड मुहैया कराने की ज़रूरत है। हर देश में इतनी प्राकृतिक संपदाएं हैं कि बहुत ज़्यादा दरवाजे खोलने की ज़रूरत नहीं है, न अमेरिका को अपने, न रूस को अपने, न चीन को अपने, न भारत। स्थानीय चीज़ें चलें तो ज़्यादा अच्छी।